अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। मतला, अबरालूद, बादल बरसने को हैं तैयार। आज रात से गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। बागों के शहर में तेज हवाओं का राज। मजीद तफसीलात जानेंगे। जुनैरा इलियास हमारे साथ मौजूद हैं। जुनैरा, आगाह कीजिएगा, महकमा मौसमियात का क्या कहना है? बिल्कुल, जहाँ तक मौसम की सूरत हाल की बात की जाए तो महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया गया है कि आज रात से जो है बारिशों का सिलसिला शुरू होने वाला है, जो कि कल तक बरसने वाला है। साथ ही दर्जा हरारत की बात करें तो आज दर्जा हरारत खासा कम दिखाई दे रहा है, और साथ ही सर्दी की शिद्दत की बात करें तो सर्दी की शिद्दत में भी एक नुमाया इजाफा फील हो रहा है। साथ ही दर्जा हरारत की बात करें तो कम से कम 10 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 20 जाने के इम्कान है। जबकि हवा की बात करें तो 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा चल रही है, जिसमें नमी का तनासब तकरीबन जो है 77% कहा जा सकता है इस टाइम है। और रात से कहा जा रहा है कि बारिशों का जो स्पेल है वो शुरू होगा। नोटिफिकेशन भी महकमा मौसमियात की जानिब से वार्निंग अलर्ट जो होता है वो जारी कर दिया गया है कि ये पूरा हफ्ता जो है तूफानी बारिशें देखने में आ सकती हैं। क्योंकि अगर बात कर लें सर्दियों के स्पेल की तो इस दफ़ा सर्दियों का स्पेल भी कुछ लंबा देखने में आ रहा है, और साथ ही साथ जो है वार्निंग अलर्ट जारी कर दी कि पूरा हफ्ता बारिशें होने वाली है। जब तक अगर बात कर लें ईरान की साइड से ये जो स्पेल आ रहा है ये इसी तरह से 5वां जो स्पेल है ये बरस रहा है, और तकरीबन 4 मजीद आने वाले हैं। तो आइंदा आने वाले मार्च तक जो है मिड ऑफ मार्च तक आ जा सकते हैं कि इसी तरह से बारिशों के स्पेल भी बरसने वाले हैं, दर्जा हरारत में भी कमी आएगी और साथ ही साथ सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा होगा। जो बहुत ज़्यादा कंप्लेन होती थी कि जी सर्दियों का स्पेल बहुत छोटा हो गया, बहुत छोटा हो गया, पूरा 1.5 महीना जो है वो देखने में आता था, लेकिन इस दफ़ा अगर बात करें तकरीबन 3 माह का जो टेन्योर है वो पूरा करने वाला है सर्दियों का महीना, और जो सर्दियों का स्पेल होता है और जो जिसका टेन्योर कहा जा सकता है वो मार्च तक चलने वाला है। लेकिन आज की अगर बात कर ली जाए तो आज जो है दिन भर मौसम यूँ ही अबरालूद रहने वाला है। ठंडी हवाओं ने लाहौर का रुख किया हुआ है, बाद ने जो है वो भी अपने डेरे डाल लिए आसमान पे अभी से, और रात में जो है गरज चमक से बारिश भी देखने में आ सकती है। जी बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए।